गुड मॉर्निंग बच्चों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आज आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर डिफरेंशियल कैलकुलस के विषय में आपको हम थोड़ा सा बताते हुए, और फर्स्ट ये है कि आपको हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है, तो आपको थोड़ा सा हम किताब भी दिखा देते हैं, कौन सी किताब आपको पढ़ाना है। ये किताब आपका है डिफरेंशियल कैलकुलस, जहाँ लिखा हुआ बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर का डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इनका जो आपको पढ़ना है, फर्स्ट इनके चार यूनिट में आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपका इंट्रोडक्शन, इंडियन ऑफ एक्शन, जो आपने इंटर में मैथ आपने पढ़े हैं वही मैथ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हुए उसी के आगे आपको पढ़ना। मैथ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इसको आप अधिक डिफिकल्ट मत समझिए, बहुत ही आसान है। और एक बात और ये है कि बीएससी में हिंदी लैंग्वेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले बच्चे जो माध्यमिक विद्यालय से पढ़ के आते हैं हिंदी मीडियम से, उनको लगता है कि हाँ इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है, बीएससी में बहुत डिफिकल्ट आपको लगता है, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। आप बच्चे बहुत ही खुश मिजाज के साथ पढ़िए, फिर पढ़िए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो भी दिक्कत है हम तो है ही है। फिर आप देखिए, इंट्रोडक्शन, इंडियन एक्शन, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स सॉल्व विल इंक्लूड अंडर कंटिन्यूअस इंटरवल इन वैल्यूज ऑफ सीआईई, सीआईई कंटिन्यूअस इंटीग्रल इन वैल्यू, डिफरेंशियल ऑफ सीक्वेंस, थ्योरम ऑफ लिमिट सीक्वेंस, ये सब आप इंटर में पढ़ चुके हैं। फिलहाल उसको आप पढ़ना है बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कैसी कन्वर्जेंट, कैसी सीक्वेंस, लिमिट सीक्वेंस एंड लिमिट इंफॉर्मेशन सीक्वेंस, सब सीक्वेंस सीरीज इन नॉन निगेटिव टर्म, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, कंपोजिशन टेस्ट, कैसी इंटीग्रल, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, रोबिन टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डिगोर्मन एंड बैटेनियस टेस्ट, अल्टरनेटिव सीरीज, रिमेंडियस थ्योरम, एब्सोल्यूट कंटीन्यूअस और कन्वर्जेंट। ये आपका फर्स्ट यूनिट था। अब आपको इसी इक्वेशन आपको धीरे धीरे आपको ले चलेंगे हम, आपको इंटर के मैथ्स की सिलेबस के साथ साथ ले चलते हैं बीएससी की, कैसे आपको क्या क्या करना है। तो फर्स्ट आपको पहले हम सीक्वेंस, सीक्वेंस आपको पहले सीक्वेंस है क्या, सीक्वेंस का डिफिनेशन जान लीजिए। सीक्वेंस द, आइए सीक्वेंस, द सीक्वेंस इज डिफाइंड एज ए फंक्शन विच इज ऑन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, दिस सीक्वेंस इन ए सेट ऑफ द रियल नंबर इज ए फंक्शन एफ हुज कॉमन इज द सेट ऑफ एन एंड हुज इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपका डिफिनेशन है। एक बार डिफिनेशन आपको हम ब्लैक बोर्ड पर लिखकर दिखा दे रहा हूं। The sequence is defined as a function which is on the set of natural number this a sequence in a set of real number is a function f whose domain is the set of n and whose is a set of real numbers f such that n, f function n natural number implies of s, इसे कहते हैं scr।
एसिक्स डिफाइन इन सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर दैट इज आर इक्वल टू 1, 1, 2, 4, 3, 9। अब यहां आइए, यहां आपको दो बातें आपको मालूम होगा, एक डोमेन मालूम होगा और एक आपका रेंज मालूम होगा। तो डोमेन और रेंज, तो डोमेन दैट इज आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखते हैं, आपने देखा होगा एंटम, आपने पढ़ा होगा एंटम, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट, आपने पढ़ा एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई पढ़ा है। तो ये निर्देशांक था एक्स कॉमा वाई, कोई भी बिंदु का है, कोई भी पॉइंट का है, यदि ओरिजिन आप लेते हैं, कोई भी पॉइंट आप लेते हैं, 1, 2 लिया है ना, तो यह एक्स क्या हुआ, कोट और भुज दो आप जानते हैं। अब यही देखिए आपका एक्स जगह 1 है, वाई जगह पर 2 है, तो जो एक्स वाली जो वैल्यू होती है, जो एक्स वाली वैल्यू आप देख रहे हैं, ये हमारे सब आपके क्या हो जाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। तो आपका 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ, ठीक है। अब आता है रेंज, जो रेंज आप देख रहे हैं, तो रेंज वाली कौन सी क्या है आपका, ये आपका वाई वाला चीज है, तो वाई आपका क्या है, वाई आप देखिए 2 है और सॉरी 1 है और 2 है और 1, 4 और 9। तो आपने देखा बच्चों कि डोमेन आपका 1, 2, 3, ठीक, यानी एक्स वाले जो क्वाड्रेंट होते हैं वो हमारे सीक्वेंस निर्धारण है, ध्यान रखना आपको, ये आपको डोमेन और रेंज आपको बताना है। तो डोमेन बताने का जो आपका फर्स्ट वाला है एक्स वाले क्वाड, एक्स कमा वाई से आपने निर्देशांक आपने इंटर में पढ़ा है, उसने आपने कहा एक्स कमा वाई के लिए, तो एक्स वाई जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो जो एक्स पॉइंट है वो दैट इज माइंड क्या होता है, डोमेन कहलाता है। तो यहां देखा 1, 1 यानी एक्स और वाई है, अगले 2, 4 यानी एक्स ए भी वाई है, 3, 9 ए भी एक्स है और ए भी वाई है। तो जो एक्स वाली दैट इज वैल्यू है वो हमारे सब क्या होते हैं, डोमेन कहलाता है, और नेक्स्ट जो वाई वाले क्वाड्रेंट बचते हैं वो हमारे सब क्या होते हैं, रेंज हो जाते हैं, ठीक। ओके बेटे समझ में आ गया। अब आइए आपको हम सीक्वेंस के डिफिनेशन आपने दिखाया और सीक्वेंस के विषय में आपको हमने बता दिया। इसके बाद क्या आता है, सीक्वेंस रियल नंबर। तो सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर, तो हम इस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को हम आपको दिखाते हैं। अभी आपका भी सिलेबस था, अब आगे हम आपको ले चलेंगे कि इनको सीक्वेंस को आपने बताया, उसके बाद आपको हम एक और डिफिनेशन होता है, लेट एस बी एनी नॉन इनपुटी सेट, ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ एन ऑफ द नेचुरल नंबर एंड हुज रेंज इज द सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड द सीक्वेंस इन द सेट ऑफ एस। इन अदर सीक्वेंस इन द सेट ऑफ एस इज द रूल विच अगेंस्ट टू ईच नेचुरल नंबर यूनिक एलिमेंट्स ऑफ एस। तो अब रियल सीक्वेंस, तो रियल सीक्वेंस को आप थोड़ा सा आप देखिए, इसको डिस्क करते हैं, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चे, नेक्स्ट। अब इन्हीं के क्रम में हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हुए, ज्यादा इसको आप सब पढ़े भी हैं और इससे जानते भी हैं, अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे। सीक्वेंस रियल नंबर है, बाउंडेड सीक्वेंस है, लिमिट ऑफ पॉइंट ऑफ सीक्वेंस है, ये सब थोड़ा सा आपको हम देते हुए फिर हम आपको एक थ्योरम के रूप में ले चलेंगे और थ्योरम के माध्यम से आपको हम इसको सिलेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो आइए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर,
बच्चों जो हाँ समझ नहीं आएगा अपना होता पूछ सकते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर द सीक्वेंस थोड़ा सा इसको आप साफ कर लीजिए। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज डिफाइंड as the function which has it domain in the set of natural number and it range subtract of real number that is it is denoted by f such that l implies of t। देखिए l क्या है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर। T क्या है आपका सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो आपने देखा कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर द सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर इज डिफाइंड एज द फंक्शन विच हैज इट्स डोमेन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट रेंज सब्जेक्ट ऑफ रियल नंबर दैट इज इट इज डिनोटेड बाई यफ सच दैट यन इंप्लाइज ऑफ टी। दिस यन पेयर यन सब्सेट ऑफ द नेचुरल नंबर टी सब्सेट ऑफ द रियल नंबर। तो यह है आपका सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर के प्रोसेस आपका था। अब इसी के हम आपको बढ़ाते हुए नेक्स्ट में आपने चलेंगे कि बाउंड्री सीक्वेंस क्या होता है। तो आइए बाउंड्री सीक्वेंस को इसमें किसी को दिक्कत हो समझ में आ गया। द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जितने सीक्वेंस हो रियल नंबर के डिफाइन एज द फंक्शन विच हैज इट डोमेन आप समझ लीजिए डोमेन और रेंज दोनों चीज। तो डोमेन इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एंड इज द रेंज सबसेट ऑफ द रियल नंबर इज दैट इज लिखने का प्रोसेस है आप देखते रहिए। तो बाउंड्री सीक्वेंस बाउंड्री सीक्वेंस का पिच देखिए आपको बता दें सीक्वेंस को हम किसी भी फलन को हम लिखते हैं ए बाउंड्री की सीक्वेंस ए का सीक्वेंस होगा ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे देखिए आपको ए सीक्वेंस इज सेट टू बी ए बाउंडेड बिलो
एंड बाउंडेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर नेचुरल एरिया कोई के एंड के सच दैट एफ एल इंप्लाइज ऑफ के एंड एफ एल इंप्लाइज ऑफ इंप्लाइज के देयर फॉर एवरी यंग बिलोंग टू नेचुरल तो या फिर सच दैट के वेरी लेस देन या फिर वेरी लेस देन के ये आपको बाउंडेड सीक्वेंस की चाहिए कि बाउंडेड सीक्वेंस ए सीक्वेंस लेस इज ग्रेटर देन जो आप लिखाए हैं आपको लिखने के लिए ये लिखने का सीक्वेंस या फिर का है बाउंडेड सीक्वेंस लिखने के लिए A sequence is said to be a bounded below and bounded above. ठीक? Above if there exist is real number. ऐसे को जो सेट को एग्जिस्ट करता हो उसको क्या बोलेंगे हम रियल नंबर कैसे यदि k and k such that f n vary is greater than k. को जो फंक्शन का वैल्यू है वह क्या हो वेरी इज ग्रेटर देन के एंड एफ एल वेरी इज ग्रेटर देन के देयरफॉर एवरी यंग बिलोंग टू यंग नेचुरल नंबर वो भी है क्या एफ एल सच दैट के वेरी लेस देन एफ एल वेरी लेस देन के ये आपका है बाउंडेड सीक्वेंस के विषय में आपको डिफिनेशन तो अब हम आपको ले चलते हैं लिमिट ऑफ द बाउंडेड सीक्वेंस के और भी यहाँ कुछ दिखाई दे तो हम आपको देखिए है तो बहुत चीज बताने के लिए सारी चीज़ आप होते हुए भी नेक्स्ट आपको हम ले चलते हैं इसी बार कुछ आपको रेंज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस तो लिमिट ऑफ पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए रियल नंबर के इज द कॉल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट वेयर यस इज द सबसेट ऑफ आर इफ वेरी निक हाइपर हार्ट ऑफ के कंटिन्यूस इन द इन्फिनिटी नंबर ऑफ यस अब कुछ हमें आपको इस लेते हुए लिमिट की वैल्यू भी होती है कोई भी आपका फलन हो कोई भी क्वेश्चन हो उसमें लिमिट कैसे प्रयोग किया जाता है या आप इंटर से ही पढ़ते चले आए हैं इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कुछ आपको हम थ्योरम के माध्यम से हम आपको और थ्योरम जो लिखवाए उसको आप समझ लीजिए उस थ्योरम के माध्यम से कई सवाल आप लगाएंगे और एक ऐसे थ्योरम होंगे जो आप उसको जो है अच्छी तरह से एक फॉर्मूले की तरह भी काम करता है और जहाँ से आवश्यकता होगी उसकी हम वहाँ पर पुष्टि भी करते हैं तो एक चीज़ और हम आपको बता दें कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी होता है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के आपको हम उसके पहले हम कन्वर्जेंट जब लिमिट की हम प्रयोग करते हैं वहाँ कब प्रयोग करेंगे उसको हम आपको जैसे आपका डिफिनेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस बता दें कि ये सीक्वेंस यस एल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू नंबर ऑफ वन इफ आर एनी गिवन बिलोंग टू जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर ऑफ यम सच दैट मॉड ऑफ यस एल माइनस ऑफ यन वेरी लेस देन बिलोंग फॉर आर यन वेरी ग्रेटर देन यन के नाउ अगेंस्ट द नंबर ऑफ वन इज सेड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस यस एल सीक्वेंस का आपको पहले बताया कि हाँ यस एल का प्रयोग इसी से करेंगे हम एबव ऑफ ग्रेटर देन दोनों के लिए तो इन भी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस यस एल एंड वी राइट यस एल इंप्लाइज ऑफ यन एज यन इंप्लाइज ऑफ इनफाइनाइट तो जो लिमिट हम प्रयोग करते हैं लिमिट